के बाढ़ में डूबकर मर रहे हैं लोग, आइए उनसे उनका हाल जानते हैं। बताइए इस समय आप पानी में कैसा महसूस कर रहे हैं, और जो पानी में डूब रहा होता है। अच्छा बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं पहले हमको बाहर निकालो, और तुमको गोतेंगे पता चलेगा कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरी अपनी सोच है, मैंने कल्पना किया है कि अगर यही न्यूज चैनल वाले, यही मीडिया वाले आज से बरसों पहले भगवान राम के जमाने में होते, भगवान कृष्ण के जमाने में होते, और उस जमाने में कहीं पे कोई घटना घटती, तो न्यूज चैनल वाले अपने चैनल पे उस घटना का प्रसारण किस तरह से करते। चलिए आधे मिनट में बताने जा रहा हूं, पसंद आए तो ताली से आशीर्वाद जरूर देंगे। ये एडवांस नहीं बजाने का बाबा, एडवांस नहीं बजाने का। चलिए, भगवान श्री राम के जमाने में जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, और वहां उस जमाने में जंगल में कुछ घटना घट जाती है, और एक न्यूज चैनल वाला अपने चैनल पे उस घटना का प्रसारण करते हैं, तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही है, जहां पे अभी अभी पता चला है कि एक महिला का नाक कान काट दिया गया है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पंचवटी, जहां पे हमारे पत्रकार देवांग मौजूद है। हेलो देवांग, मामला क्या है, कौन सी महिला थी वो, और उसके नाक कान क्यों काट दिए गए? अब पंचवटी से देवांग। हेलो हेलो हेलो, वो महिला किसी बाहुबली परिवार से बताई जाती है, उस महिला के भाई दबंग खानदान के लोग हैं, उस महिला का नाम सूर्पनखा बताया जाता है। वो महिला आई थी भगवान राम को छेड़ने के लिए, भगवान राम तो बर्दाश्त के, लेकिन लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, लक्ष्मण जी ने खुकड़ी से उस महिला का नाक कान काट दिए हैं। खुकड़ी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई हुई है, श्रीलंका की पुलिस दिन भर नाले में गटर में खुकड़ी की तलाश करते रहे, खुकड़ी तो नहीं मिला। लोग इस बात से खुश हैं कि यहाँ के सारे नाले और गटर साफ हो गए हैं। चलिए आपको सीधा श्रीलंका लिए चलते हैं, जहां पे हमारे पत्रकार मदन मौजूद हैं। हेलो मदन, श्रीलंका से हमको आप सुन पा रहे हैं? तुम्हारे सुनने वालों को बताएं कि श्रीलंका में क्या सिचुएशन है, रावण की आगे की रणनीति क्या है। अब श्रीलंका से मदन। कमीने साले, खुद तो एसी कमरा में, न्यूज रूम में टाई लगा के लैपटॉप के सामने बैठा है, हमको खतरनाक जगह पे रिपोर्टिंग करने भेज दिया, यहां तो चारों तरफ राक्षस राक्षसनियां घूम रहे हैं, कहीं आखिरी रिपोर्टिंग ना हो। हेलो मदन, क्या अभी तक किसी से बात हुई? अबे यहाँ जान पे बनी हुई और कह रहे हो किसी से बात हुई, कर रहा हूं ना। किससे बात कर रहे हो? केके से बात कर रहा हूं। ये केके कौन? कुंभकर्ण। लो ये तो सोने में लगा हुआ, इनके सोने से प्रूव होता है श्रीलंका को सोने का लंका क्यों कहा जाता। हेलो मदन, क्या अभी तक रावण से बात हुई? ले बेटा रावण से खुद बात कर ले, खुद बात कर ले। तब तक पीछे से रावण आया। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूँ, मैं ही तीनों लोकों में समाया हूँ। भाई साहब, आपसे नॉर्मल बात नहीं होती क्या? आप नॉर्मल बात नहीं कर सकते क्या? आपको कब पता चला कि आपके बहन की नाक कान काट दी गई है? उस वक्त मैं तुम्हारा ही चैनल देख रहा था, तुम्हारे ही चैनल से मुझे पता चला। बस बस, हमारा इंटरव्यू हो गया, आप जाओ बाहर में, देखते रहिए हमारा चैनल, सबसे तेज चैनल आज तक, कल तक, परसों तक। धन्यवाद। तो हंसने जाने की बातें तो